ध्वजा उड़ाइए तो फिर हाय एवरीवन, मैं हूं शबाब लतीफ़ी और आप लोग देख रहे हैं शबाब ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे सामान और ठंड के जो कपड़े पोशाक होते हैं वो सब मिल रहे हैं। कश्मीर से आए हुए ये सभी लोग यहां पे व्यापार कर रहे हैं और बस कुछ ही दिनों के लिए हैं, तो आप सब भी आइए शॉपिंग करिए। यहाँ एकदम ऑफर में दिया जा रहा है, बहुत सारे सामान अच्छे अच्छे क्वालिटी चीप एंड बेस्ट में मिल रहा है। तो आप लोग भी कभी टाइम निकाल कर ज़रूर आएँ, यहाँ शॉपिंग करें। जो भी लोग बाहर चाहें वो कुछ यहाँ से कमा के जाएं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, देखिए बहुत ही तरह तरह के सामान भी है, आप लोग खरीद सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है ज़रूरत की तमाम सामानें यहाँ मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक अनूठा सा मेला है, क्योंकि ये मेला 2 साल बाद आया, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था, कोरोना वायरस भी आ गया था। 2020 और 2021 में नहीं लगा तो ये 2022 में लगाती है। थोड़ा सा हम लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आप लोग भी यहाँ ट्राई करें, जैसा कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जैकेट बहुत ही चीप एंड बेस्ट दाम में मिला, अच्छी क्वालिटी भी है। आप लोग भी आइए, कभी शॉपिंग करिए यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके लिए तमाम ज़रूरतों के सामान यहाँ मिल जाएंगे। गेट नंबर 7 से एंट्री करिए पटना के गांधी मैदान, ज़रूर आइए आप लोग और इस वीडियो पे बने रहें। देखिए ये लकड़ी का बना हुआ, कितनी खूबसूरती कलाकार हैं ये लोग। ये तमाम कलाकारियों को देखिए, आप सभी लोग ही स्टूडियो बनाने के लिए इस तरह से आप लोग सजा भी सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। आइए आप लोग भी कभी खरीदने के लिए ये सारे चीज़ें।